यूपी में जिला पंचायत की सत्ता बदलते ही नाम बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ जिले का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है, जिसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व सचिव हुजैफा आमिर रशादी ने कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलना केवल तुष्टिकरण की राजनीति है। अलीगढ़ का नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। विकास के नाम पर जो लोग वोट मांग करके आए थे उन लोगों ने सिर्फ विनाश की राजनीति की है। सरकार ने अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो वादे किए थे वो सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। अगले 6 महीने में प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो सिर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है सरकार ने। क्या अलीगढ़ का नाम बदलने से अलीगढ़ के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या अलीगढ़ के बहते नाले बंद हो जाएंगे?